मेरा नाम गुलाम तेर है, आप सबको मेरा सलाम आदाब नमस्कार शास्त्री का। मैं जो है खड़ा हुआ हूँ जो कदवा प्रखंड जजा पंचायत के खिलावरी में उपस्थित हूँ। अभी जो मौजूद हैं यहाँ पे जो आप इतने सारे आदमी देख रहे हैं, ये सब अपना परेशानी को बताने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, हमेशा यहाँ पानी लगा हुआ रहता, हमेशा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अब तक फ्लड आ चुका है, लेकिन अब तक कोई भी प्रतिनिधि इस पंचायत का ना तो पूछने आया, ना तो कुछ करने आया। जो आम आदमी क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, या सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, ये आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो इस बगल के लोग यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मैं उससे आपको पूछाऊँगा कि ये सही बात है कि गलत बात है। ये रोड में हमेशा पानी रहता है, ये जिम्मेदारी किसकी है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये अब तक कोई प्रतिनिधि यहाँ पे पूछने नहीं आया कि ये पानी यहाँ लगा हुआ रहता तो आप लोगों को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, ये अभी तक कोई प्रतिनिधि पूछने नहीं आया। इसी वजह से मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मैं उससे आपको पूछता हूँ सबसे पहले, भाई आप ये बताओ यहाँ जो पानी लगा हुआ रहता है, ये हमेशा लगा रहता है कि जब फ्लड आया उसका पानी है? ये हमेशा लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होता यहाँ पे? दिक्कत बहुत होता है जाने का, जाने का दिक्कत होता ना। तो कोई आपके जो प्रतिनिधि, आपके पंचायत के जो मुखिया मेंबर समिति सरपंच है, वो आपको कभी आके पूछा कि नहीं पूछा? नहीं पूछा। कोई नहीं आया, कोई देखने के लिए नहीं आया? कोई भी नहीं। या फिर जो फ्लड आया, अभी बाढ़ जो आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आया, चार बार जो अभी जो बाढ़ आया, तो आपको ये कभी पूछने नहीं आया जो आपको क्या दिक्कत है, आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं कुछ भी? कुछ भी नहीं। तो आप ये बताइए, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी मुखिया मेंबर समिति सरपंच हमारे प्रतिनिधि की है, लेकिन अब तक कभी पूछने नहीं आए आम जनता को, आम जनता क्या परेशान, किस परेशानी से झेल रहे हैं, अब तक पूछने नहीं आया। लेकिन वो जो प्रतिनिधि है वो आराम से खा रहे हैं, सो रहे हैं, जब इलेक्शन आता है तो घर में कहने के लिए आता है, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जब इलेक्शन आता है तो जो घर में वोट मांगने आता है तो वो क्या बोल के वोट लेता आपसे? वोट बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कुछ नहीं होता है। ये देखिए आप, हम इससे क्या, हम इससे भी पूछते हैं। अच्छा आप ये बनाइए, एकदम हमेशा रहते हैं। तो आप लोग को जाने आने का कोई दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। कभी कोई मुखिया मेंबर समेत जो आपके पंचायत के प्रतिनिधि है तो कभी पूछने नहीं आया? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं आया। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या मुखिया मेंबर जो, उससे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो पानी जमा हुआ रहता है हमेशा, ये किसका जिम्मेदारी है? ये पानी कैसे हटाएं, या फिर यहाँ फ्लड है, या फिर दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, ये रोड कैसे पार करें? या तो बाइक भी नहीं पार कर सकते हैं, तो बाइक डूब जाएंगे। या हमेशा पानी ना, तो नाव है, फ्लड में नाव दिया, ना पूछने आया, या आप लोग को जाने आने में दिक्कत, कुछ भी नहीं पूछा अब तक।